बहुत सब बेटा सब सूते को सूते ही रह जाते हैं, हम लोग पूरे परिवार सो जाते हैं। कहा कि देखिए दो गाड़ी यहाँ सिलेंडर, चौके में सिलेंडर, चार सिलेंडर इधर, चार सिलेंडर वहाँ है, चौके में भी है, सो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए बिजली का ही तो मेरा बोर्ड है, इसमें तो आग लगता ही, तो आग थमता नहीं ना बेटा है, वो तो हम सबको ले ही डूबता। अपराधियों ने पत्रकार के घर को लगाई आग, परिवार को जलाकर मारने की साजिश नाकाम, पेट्रोल से आगजनी कर पत्रकार के परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास। अपराधियों के हौसले बुलंद, बाल बाल बचा पूरा परिवार। जीएम रोड में पेट्रोल छिड़क कर गृह स्वामी को जिंदा जलाने का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ की। बीती रात एक पत्रकार के परिवार को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। संयोग से घर के लोग जगे हुए थे और दरवाजे में लगी आग को बुझा दिया गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट जाती, क्योंकि वहां पर दो बाइक और एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। पत्रकार नीरज ने इस संबंध में मध्य रात में ही पुलिस को सूचना दी और आज नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिशर टोला मोहल्ला के रहने वाले पत्रकार राकेश कुमार नीरज के घर में लगे लकड़ी के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर सभी फरार हो गए। घर में बैठे पत्रकार की बूढ़ी माँ मुन्नी मिश्रा ने बताया कि बीती रात घर के सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। वही मुन्नी मिश्रा खाना खा रही थी, उसी दौरान आग की लपटें देखकर शोर मचाया। घर के लोग किसी तरह पानी डालकर आग पर काबू पाया। यदि आग की लपटें घर में फैल जाती तो बाइक सहित कई गैस सिलेंडर भी भरे पड़े थे। ऐसे परिस्थिति में घर के किसी परिस्थिति में बचाना संभव नहीं था। चले पौने बारह में ये आग ऊपर चला गया सोने के लिए और हम खा रहे थे खाना, खा रहे थे तो इधर से आग का आसी हुआ, तो हमको क्या लगी सब गाड़ी से तो नहीं आग लग गई। उठ के खड़े होकर देख रहे हैं तो गाड़ी से नहीं है, तो बाल्टी में मेरा पानी था, इसकी बहू जो है ऊपर चली गई छत पर इसको उठाने के लिए, उठाई उसके बाद ऊपर से देख रही है तो बोतल में आग लगा हुआ है और हम जो है उस आग को बुता रहे हैं। हम बुता दिया आग को पानी से, आग बुत गया बेटा। लेकिन उसके बाद जो है सब उतर के आए नीचे से, ऊपर देख कर नीचे लोग उतरे हैं, उसके बाद जो तुमको घूमते उसमें वर्दी में उन लोग को फ़ोन किया ही नीरज थाना, हाँ पुलिस वाले को वो फ़ोन किया, वो लोग भी आकर देखे सुने, तो हम दरवाज़ा तब दरवाज़ा खोला जिनाथ का कि हम ताला बंद कर देते, जब बाइक का चोरी हुआ है तब से ताला बंद करते हैं बाबू हम, अन्य तो कह लीजिए जंजीर लगा देते थे कि कौन चोरी करेगा। क्या हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, अहम है चाहे इसको तो और किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए ना। क्या कि किस समय क्या घर में क्या हो रहा है सो तो इनको पता नहीं रहता है, अब बाहरी समाचार से इनको क्या मतलब, हम लोग भी कहते नहीं है बउआ। कहे कि देखिए आप लोग का खुद दिमाग बाहरी झंझट बात है, घर का झंझट क्या कहा जाए, समाज का झंझट क्या कहा, बेटा लोग हैं क्या लगा, कुछ एहसास हुआ था किसी ने लगाया कुछ बुआ, लेकिन कोई बाहर वाला ही आग लगाया है ये ना, अब कौन लगाया किसे कहे बेटा। हाँ वही बोतल है, वो देखो बोतल भी है यहाँ पर, देखो उसका ढक्कन है, एक तिल्ली जो था सलाई का वो मेरे अंदर में था, अंदर में तल मिला है तो हम बाहर को सुबह में बाहर फेंक दिया बेटा। इसके पहले भी घटना हुई थी आग लगाने की? हाँ एक बार आग लगी थी तो उधर से आग लगी थी मेरे उधर रूम में, समझिए ना, तो ऊपर ही रूम में आग लगा, लेकिन उस समय भी हम थे खाना बन रहा था तो बाहर आके देख रहे हैं तो आग लग रहा है, जल्दी जल्दी पुकारा बेटा, ये नहीं था नीरज नहीं था, बाद में आया मेरा छोटा बेटा और था, इससे बड़ा भाई था वो था, उसको बुलाया जल्दी जल्दी बताया गया, और पोता थे बड़े बेटा थे दोनों पोता सब मेरा था सब बताया होता है आग बुता बेटा। अगर लगता है ये आग नहीं देख पाते हैं, हाँ घटना हो जाती है बहुत, सब बेटा सब सूते को सूते ही रह जाते हैं, हम लोग पूरे परिवार सो जाते हैं। कहा कि देखिए दो गाड़ी यहाँ सिलेंडर, चौके में सिलेंडर, चार सिलेंडर इधर, चार सिलेंडर वहाँ है, चौके में भी है, सो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए बिजली का ही तो मेरा बोर्ड है, इसमें तो आग लगता ही, वो तो आग थमता नहीं ना बेटा है, वो तो हम सबको ले ही डूबता, बाहर वाले जाने क्या, जो बुत गया तो हम एक दो आदमी को कहा कि अरे सुबह होता और जो पानी के लिए हल्ला करता तो सोचता कि सब जल के मरे पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि कोई ये भाई गुंडा तबका ही है ना व्यक्ति होगा जिसको कि भाई हमारे खबरों से या भाई हमसे कुछ नाराजगी होगी, हमको किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि हमको और भाई परिवार को जान से मारना चाहता है, यही हमारा कहना है। अब इसको एक पुलिस भाई देखे है ना और ये जांच करे है ना, निष्पक्ष पहले भी आप पर इस तरह का कुछ हो चुका है क्या, क्या क्या हुआ? हाँ इससे पहले हमारे मतलब है ना
एक जनवरी को है ना हमारी बाइक चोरी हो गई थी, उसी जगह से है ना, घर के अंदर से है ना। उसमें पुलिस मतलब भाई नहीं कुछ कर पाई, भाई बरामद है ना भाई, हुई है ना दूर से है ना बाइक है ना। इससे पहले भी है ना एक बार शॉर्ट सर्किट या क्या करके है ना ऊपर वाले रूम में है ना ये लग गया था आग। और उसके बाद 2000 है ना ये है ना 19 में कुछ मतलब है ना ये उड़ा था भाई, मतलब भाई रूमर उड़ा था कि भाई हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए गोली चलाया गया था, लेकिन वो गोली एक दूसरे आदमी को लग गया। चूँकि है ना उसी बगल से हम है ना उस दिन लौटने वाले थे, वहाँ है ना एक है ना युवक की हत्या हुई थी। अब कौन लोग है ना इसके पीछे, उसमें सुरक्षा भी मिला था आपको? हाँ सुरक्षा मिला था है ना, दो दो बॉडीगार्ड है ना उसमें ये चेंज हुए थे ना हमारे साथ है ना थे बॉडीगार्ड। उसके बाद उसको हमने भाई ये कर दिया, हटा दिया है ना, मुझे नहीं लगा कि है ना ये है। रात की घटना को आप किस तरह देखते हैं, क्या हुआ था रात में? रात में तो पूरी तरह ये था कि पूरे परिवार को सूते हुए अवस्था में एकदम जला के मार देना ना। अपराधी को ये नहीं मालूम था कि हम लोग जगह रहते हैं, मेरी माँ जगी रहती है ना, उसको तो है ना ये था ना उम्मीद कि अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ना इसी साइड लगाएंगे आग तो इसी साइड ये लोग रहते हैं और पूरी तरह सिलेंडर गाड़ी वगैरह ब्रस्ट हो जाएगा, ये लोग जल करके है ना मर जाएंगे ना, तो यही साजिश थी ना। पुलिस को आपने सूचना दिया है लिखित कार्रवाई के लिए? पुलिस को हमने है ना सूचना दी, पुलिस जो है पहुँचे उसके बाद है ना पुलिस ने हमको कहा है ना यहाँ के जो है कोतवाली के इंचार्ज उन्होंने कहा कि मैं सुबह आकर के है ना आपसे ना फिर बात करता हूँ और मैं जांच करके है ना ये करूँगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जा करके वहाँ इस चीज़ को मैं जा करके लिख कर दे रहा हूँ।